2019 से लेके 2020-2021 तक 3 साल हो गए अभी तक जो हमारा बिज़नेस 3 सालों में पूरा ख़त्म हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ हेवी बिज़नेस सेटबैक आया पिछले 3 सालों से। अब एक्सपेक्टेशन थी एलजी सरकार पर, क्योंकि ये मद्देनज़र रखते हुए भी एलजी सरकार ने 2020 में भी एक पैकेज का ऐलान किया था जो 1350 करोड़ के करीब वो पैकेज का ऐलान था। उस टाइम हुआ कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, पैकेज के हवाले से, मगर जो आज 2021 का जो कोविड का लॉकडाउन रहा, पूरा बिज़नेस धर्म भरम इस वक्त चल रहा है पिछले 2 महीनों से। एलजी सरकार की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन थी, इसको मद्देनज़र रखते एक बड़े पैकेज का ऐलान हो जाएगा एलजी सरकार की तरफ से, ताकि जो हमारा बिज़नेस बहरान चल रहा है इस वक्त मंदी के हवाले से, वो बहरान ख़त्म हो जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात है, एलजी सरकार ने ऐलान किया है पैकेज के हवाले से, हमने उसको अप्रिसिएशन भी किया है। उसमें शिकारा वाले को 1000 रुपया रखा गया। आप देखें जो हाउस बोट है हमारा, जो शान है कश्मीर की, उसको भी 1000 रुपया रखा गया। उसके साथ साथ जो घोड़े वाले हैं हमारे, उसको भी 1000 रुपया रखा गया 1 मंथ के लिए। मगर मेरे ख्याल से वो पैकेज अच्छा पैकेज नहीं था हमारे एंगल से, क्योंकि हाँ, अगर पैकेज का ऐलान करना है, यहाँ पर छोटे ट्रांसपोर्टर, छोटे ऑटो वाले बेचारे, उनका भी लॉस हुआ। उसके साथ साथ जो हमारे मजदूर है, जो दिन को कमाते शाम को खाते, उनको भी लॉस हुआ। जो हमारे छोटे दुकानदार है बेचारे, जिनके पास बैंक का लोन है कम से कम 3 लाख 4 लाख बेचारे का, उनका इंटरेस्ट कट रहा है इस वक्त भी बैंक के हवाले से, उनके हवाले से भी पैकेज का ऐलान करना चाहिए था एलजी सरकार को। मगर बदकिस्मती की बात है, अभी तक छोटे बिजनेस मैनों के हवाले से, ट्रांसपोर्टरों के हवाले से या शिकारा वालों के हवाले से उतना बड़ा पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। या देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने भी पैकेज दिया अपने, चाहे छोटे दुकानदार थे वहाँ के या ट्रांसपोर्टर थे वहाँ के या गरीब लोग थे महाराष्ट्र के, कम से कम 7000 रुपया पर अकाउंट में डाले गए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तब तक जब तक कोविड लॉकडाउन वहाँ पर रहेगा। उसी तरह पैटर्न अपनाया दिल्ली सरकार ने, वही पैटर्न एलजी सरकार को भी अपनाना था यहाँ पर। जब तक कोविड लॉकडाउन रहेगा, आपकी वसादत से मैं एलजी सरकार को अपील करना चाहता हूँ, पर अकाउंट में 7000 रुपया जाना चाहिए जब तक ये कोविड लॉकडाउन रहेगा। मेरा नाम है वली मोहम्मद भट्ट, मैं प्रेसिडेंट है शिकारा ओनर्स एसोसिएशन का। ये इधर सीज़न इस साल खुदा की मेहरबानी से अच्छा लगने लगा था, मगर बदकिस्मती हमारी है, पता नहीं ये क्या बात है, ये कोविड की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अभी जो ये शिकारा सनद है, ये करोड़ों में इसमें नुकसान हो गया। अब सरकार एलजी साहब ने बोला 2 महीने का हम ये देंगे 1000 रुपया पर शिकारा, मगर उस 1000 में आएगा क्या? डिमांड ये कर रहे हैं कि ये 1000 में कुछ नहीं होगा, कम से कम 10000 होना चाहिए था पर मंथ पर शिकारा, कम से कम 10 महीने का ये रहना चाहिए अगले मार्च तक। सर, ये तो पूरा वर्ल्ड में हुआ है, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो बहुत हो गए है। नुकसान इतने हो गए कहने के बात नहीं, इसका कोई गिनने का बात ही नहीं है, खरबों अरबों नुकसान हो गए। खासकर हम लोगों को परेशानी है, टूरिस्ट जो हम लोग टूरिस्ट पर है, हमको घोड़े वाला, हम शिकारा वाला, होटल वाला, हाउस बोट वाला, हम लोग तो सब टूरिस्ट पर है। खासकर 90% यहाँ कश्मीर में टूरिस्ट के पैसे पर है, और यहाँ हमारे जो इस साल हमने इतनी उम्मीद ही रखे है, हमारा यहाँ टूरिस्ट डायरेक्टर साहब है, वो भी बहुत कोशिश करता है हमारे लिए, हर एक के लिए करते हैं बहुत कोशिश, लेकिन वो सब नाकाम हुआ है क्योंकि वबा की वजह से। और 1000 के ये क्या हो जाएगा? देखिए, 15000 रुपया मुझे महीने को खर्चा है, करता है गवर्नमेंट साहब को, मरकज़ को, वज़ीर आज़म को, हमारे परेशानी जो है इस वक्त, इस पर हमको बहुत नज़र इनायत करो, इस पर नज़र ईसानी करो
क्योंकि हम लोग बहुत इस वक्त बहुत परेशान हैं।